यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आ जाए हैं। हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रेगुलर मुलाजिम हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो सैलरी है वो रेगुलर बेसिस में नहीं आती है। हमको ये कभी 3 महीने की निकलती है, कभी 2 महीने की निकलती है, कभी आज तो हमारी सैलरी पिछले 4 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। हम अपनी जो हमारी डिमांड है, हम अपने जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, हम उनके पास गए थे कि हमारी सैलरी का बजट का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी तक आपके बजट का कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपकी बजट आई है या नहीं आई है। यहाँ से एक तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, मार्च आने वाला है। अगर ये हमारी ये सैलरी जो है ये पेंडिंग रही तो फिर हमको ये पता नहीं कब ये दोबारा लेनी पड़ेगी ये सैलरी। इसलिए और सबसे ज़्यादा भी है कि हमारे जो घर में हमारे पास बच्चों को फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे बैंक्स के लोन्स अदा करने के लिए पैसे नहीं है। हम इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए आज। इसलिए सैलरी हमारी नहीं हुई पिछले 4 महीने से। हमें बैंक का लोन भी है, बच्चे भी पढ़ते हैं, बार बार हमें सड़कों पर आना पड़ता है, इसीलिए आना पड़ता है, मजबूर है। हर कुछ काम हम करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसके बावजूद 22-10 की सैलरी निकलती है मंथली, 22-11 की मंथली सैलरी नहीं आती। मेहरबानी कर गवर्नर सर से हमारी अपील है, जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी, आगे से रमज़ान का महीना आ रहा है, बच्चों को वर्दी लानी है, उनकी फीस भरनी है, हमारी सैलरी की जाए रिलीज़। बस।